चलो जी, अगला टॉपिक आता है नेक्स्ट नंबर पे, केपी और केसी को प्रभावित करने वाले कारक, या सीधा लिखना चाहते हो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है, अच्छा न्यूमेरिकल बनता है तो ध्यान देना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, सॉरी, वैसे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे केपी और केसी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है जी, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, साम्यवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। कितने थे साम्यवस्था स्थिरांक, कल बताए थे, हाँ या ना बोलना है, कौन कौन से थे? एक तो केपी और दूसरा केसी, तो सीधा भी लिख सकते हो केपी और केसी को प्रभावित करने वाले। पहला कारक आता है जी आप लोगों के पास टेम्परेचर। ठीक है, अब याद क्या रखना है, टेम्परेचर के बेस पे अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पता ही है, कुछ बताने वाली बात नहीं। एक ऊष्माशोषी, एक ऊष्माक्षेपी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बताने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मुझे बताना है जी टेम्परेचर का क्या फैक्टर करता है। तो मैंने बताया टेम्परेचर के आधार पे रिएक्शंस होती हैं दो प्रकार की। ठीक है, अब पहले नंबर पे जिनका डेल्टा एच होता है प्लस, डेल्टा एच प्लस का मतलब जो कोई चीज ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, जिनमें ऊष्मा ग्रहण होती है वो अभिक्रिया कौन सी है, हाँ ऊष्माशोषी, और इंग्लिश में लिख देते हैं एंडोथर्मिक। ऊष्माशोषी मतलब जो हीट मांग रही है, बिना हीट के नहीं होंगी, इनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। हो गया, अब सोच के देखो जी, जो बंदा तुमसे कोई चीज मांग रहा था, तुमने लाकर उसको दे दी, खुश या नाराज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश। अगर कल को पापा ने कहा बेटे सिलेक्शन करा देना, है ना, और तूने सिलेक्शन करके दे दिया, पापा खुश या नाराज? हाँ ले बेटा आईफोन 12, है ना, मैं छोटी मोटी क्यों सोचे, फिर चीज सोचनी तो बड़ी सोचेंगे। तो आज मेरे पास अभिक्रिया है ए प्लस में बी और बराबर तीर का निशान सी प्लस में डी। सोच के देखो, अगर ऊष्माशोषी में मैं टेम्परेचर ज्यादा कर देता हूँ, टेम्परेचर ज्यादा कर देता हूँ, तो रिएक्शन खुश होएगी, खुश होने के बाद प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट बराबर गिफ्ट, आया ना बोलो, कहाँ भाग रही रिएक्शन, आगे। अब तुम बताओ जी, अगर प्रोडक्ट क्या हो गए ज्यादा, तो क्या केपी और केसी याद है? चलो तुम्हारे लिए दोबारा याद करा देता हूँ, उत्पाद की सांद्रता बटा, और केपी क्या था, उत्पाद का दाब बटा अभिकारक का दाब, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, ऊपर वाली चीज ज्यादा हो गई, तो केसी का मान बढ़ेगा, और अगर यहां पर भी प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, क्योंकि जो जितना ज्यादा हो जाएगा उसका दबाव भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यस और नो, खत्म हो गई बात। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया भागेगी, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे तो केपी और केसी के मान, बस इतनी सी बात है। अब अगला तुम खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जे टेम्परेचर कम कर दूं तो, हाँ रिएक्शन क्या मांग रही थी, टेम्परेचर, सोने का कोनी मारे करने टेम्परेचर कोनी, जा बा जा, है ना, अब रिएक्शन खुश के नाराज, तो नाराज होते ही मैं माइक के चली जाऊंगी, तू देखता रही हूँ, है ना, कहाँ बाज जाएगी लुगाई वापिस, हाँ भाई ओके, तू बुथी देखता रहे, जब वापिस चली जाएगी तो क्या ज्यादा बने, थोड़ा बोलना पड़ेगा, मजा तब आता है जब पार्टिसिपेशन हो, हाँ कौन ज्यादा बनेगा, अगर नीचे वाली चीज ज्यादा हो जाए, हाँ तो मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक दिखाओ एग्जाम्पल, है ना, तेरे बापू को ना 10 बीघा जमीन थी और तू अकेला बच्चा था, एक ली औलाद, है ना, कितने बीघा आई तेरे पानती, और अब देख नीचे वाली चीज पे बढ़ रही है, अब बापू की औलादे कितनी हो गई, मजाक मजाक में कितनी हो गई, है ना, ले थोड़ा मजाक ज्यादा हो गया, अब कितनी हो गई, बस फिर बताने की जरूरत नहीं है। नीचे का मान बढ़ने से जमीन क्या हो रही है, ये मैथमेटिक्स का नियम है, तुम्हें जान करके दिखाया ताकि तुम्हें समझ आए, ऊपर का वैल्यू बढ़ेगा तो केसी केपी बढ़ेंगे। तो क्या लिखूं ये बात भी, चलो लिख देता हूं, टेम्परेचर के घटने पर अभिकारक ज्यादा हो जाएंगे, अभिकारक बराबर रिएक्टेंट, इतनी इंग्लिश चल जाएगी क्या, ये उत्पाद और ये, और अगर अभिकारक बढ़ गए तो नॉर्मल सी बात है केपी और केसी का मान कम हो जाएगा। यस और नो, तो फिर दूसरी अभिक्रिया की बात भी कर लेते हैं, जब डेल्टा एच बराबर माइनस हो, क्या हो, माइनस मतलब कोई चीज निकल रही है, उष्मा क्षेपी, है ना, बापू का गुस्सा निकल रहा है, फूट रहा है बापू का गुस्सा, तो इसका मतलब गर्म हो रहा है बापू। यस और नो, और गर्म का मतलब बता रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं है, उष्मा क्षेपी, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक, ये याद करना पड़ेगा, बस एक मात्र ये बात। तो जिनमें प्लस होता है उनमें चीज ऐड होती है, जिनमें माइनस होता है उनमें चीज निकल के चली जाती है। अब जो ऑलरेडी हीट छोड़ रहा है ना,
नॉर्मल सी बात है ना, बापू तम तमाता हुआ गर्मा गर्म आया, तूने आगे मार्कशीट दिखा दी, देखो मेरे कितने कम नंबर आए, अब क्या होने वाला है ना, धाकड़ प्रोडक्ट मिलने वाले है ना। बिल्कुल, गर्मी में जो आ रहा है उसको क्या ऑफर करोगे, चाय के ठंडा, बस ठंडा मतलब कोका कोला है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां ऑलरेडी उष्मा निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊं के कम करूं, टेम्परेचर कम करते ही बंदा खुश। गर्मी में ठंडा पूछते हैं और ठंडी में गर्म पूछते हैं, ये पता ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ दोनों पड़ती है गर्मी भी, और तो टेम्परेचर कम कर दोगे तो रिएक्शन खुश, खुश का मतलब क्या मिलेंगे और प्रोडक्ट मिलेंगे, तो केपी और केसी का मान, हर चीज जुड़ी हुई है, सिर्फ दिमाग तुमने लगाना है। पर गर्मा गर्म में तुमने अगर ज्यादा गर्म कर दिया तो गर्मी प्लस गर्मी बराबर महागर्मी है ना, और महागर्मी में छीतर परेडी होगी और कुछ नहीं होगा, और प्रोडक्ट नहीं होगा, पट्टियां होंगी सिर्फ, हाँ मुंह फूट गया, नाक फूट गई है ना, केपी केसी के मान क्या हो जाएंगे, कम। क्या पहला फैक्टर समझ आ गया? यस सर। दूसरा फैक्टर है अभिक्रिया को लिखने का तरीका, अभिक्रिया को, हाँ ये हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है, तो इसलिए एक ही भाषा में लिख देता हूं। द सेकेंड फैक्टर इज अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन को लिखने का तरीका, क्योंकि रिएक्शन को लिखने का तरीका बदलने से, ठीक है जी, लिखने का तरीका, मेथड ऑफ राइटिंग इक्वेशन, अगर अभिक्रिया को लिखने का तरीका बदल गया तो तेरे केपी और केसी के मान भी क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलो, हाँ बदल जाएंगे। थैंक यू जी, ये लो पहले नंबर पे, हाँ जी बोलो बोलो, सर सर आवाज तो आ रही है मरी मरी से, कहाँ बढ़ेगा दिखा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा, तेरे को दिख रहा है, बताओ, अलग बात है, हाँ पूछ, कोई मना नहीं है, हाँ ये भिकारक होता है अंग्रेजी में, हिंदी में रिएक्टेंट होता है, ठीक है याद रख ले। प्रोडक्ट बराबर, अब पूछ लो, कोई शर्माने की बात नहीं है, मुझे भी पता, तुमने 12वीं पास नहीं करी हुई, ऐसे क्या शर्माना है, वो तो मुझे पता ही है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटे, और आज तेरे को फिर बता देता हूँ, ये अभिकारक होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं, तो फिर तू कहेगी ये प्रोडक्ट होते हैं ये, अरे यार याद तो कराना बनता है माना, कोई बात नहीं। अब इसके बाद बारी किसकी आ गई, तू ये याद रख बेटे, प्रोडक्ट ये पी है, पी बराबर प्रोडक्ट और आर बराबर, बस इतनी कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है। अब इसके बाद अगला सवाल क्या आता है, लिखने का तरीका बदला तो भाई साहब रिएक्शन भी बदलेगी। लो जी एक क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन से समझ आएगा। एक रिएक्शन है मेरे पास में H2 प्लस में I2 और तीर का निशान 2HI, दो और मैंने यहां लिख दिया, इसके लिए केसी का मान 49 है, क्या है 49 है, तो अभिक्रिया 2HI उत्क्रमणीय का निशान H2 प्लस I2 के लिए, ठीक है जी, चलो या केसी का मान सिंपल लिख देते हैं 100 है, केसी का मान बताओ, केसी का मान बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया सारों को, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, इट इज नॉट ए बिग इशू, क्यों, केसी का वैल्यू 100 है, तो नई रिएक्शन दे दी, इसके लिए केसी बताओ, तुम्हें सिर्फ क्या घूरना है, अभिक्रिया को घूरना है, गुरु आराम से घूरो, कोई मना नहीं कर रहा, कोई है चेंज या वही सेम दे दी, हाँ अभिक्रिया तो सेम है पर कोई गड़बड़ है, हाँ तू बता दे शाबाश, जो तेरा उत्पाद है वो मेरा विकारक है, जो मेरा विकारक है वो तेरा उत्पाद है ना, यही ना फर्क, बिल्कुल ये यहाँ उत्पाद है और ये यहाँ क्या बन गया, सीधी बात बोलूं, अभिक्रिया को मैंने उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, जब भी अभिक्रिया उल्टी हो जाए तो आपका मान भी उल्टा कर दो, हाँ जो ऊपर बैठा है उसको कहाँ ले जाओ, तो नए के लिए हम मान लेते हैं केसी डैश, क्या मान लेते हैं, और नया केसी डैश पहले वाले का उल्टा हो जाएगा, क्या है पहले वाले का केसी, बोलो बोलो, 1/100, यानी कि मेरा आंसर 0.01, कोई बड़ा इशू तो नहीं है। अगर मैं इसके लिए, हाँ जी अभिक्रिया सेम रख देता हूं, ठीक है, और आपको मान बदल के दे देता हूं, लो जी थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल डाल देते हैं, यदि इसी अभिक्रिया में, यदि चलो नया डाल देते हैं क्वेश्चन, यार कोई बात नहीं टाइम ही लगेगा, अभिक्रिया PCl5 तीर का निशान PCl3 प्लस Cl2 के लिए केपी बराबर 2×10⁻³ है, कितना है जी, ठीक है जी, तो PCl3 प्लस Cl2 और तीर का निशान PCl5 के लिए केपी बताओ,
क्वेश्चन समझ आ गया? केपी ज्ञात करो, हाँ या ना बोला करो यार। तुम्हारी ऊर्जा से मेरे को ऊर्जा मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी, फिर मैं भी तुम्हारी तरह न्यूट्रल हो जाऊंगा, बाद में दिक्कत आएगी। बोला करो, क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. मरी हुई आवाज है, लगी नहीं रहा कि 50 बच्चे क्लास में बैठे, नीचे तक पता लगना चाहिए पुलिस वालों को कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ अब आया मजा। तो क्लियर कट बात है आपके पास, PCL3 फर्क क्या है? फिर से मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया, इस बार KP आ गया। तो चाहे KC हो चाहे KP हो, नया KP पहले वाले KP का उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना बोल दो। दस की पावर माइनस का 3, माइनस 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, थैंक यू, प्लस की 3, 2 नीचे रह जाएगा। क्या प्लस की 3000 होता है? तो 13 KP तो इतना था और हमारा KP कितना है? क्या दिक्कत आई किसी बच्चे को, आई तो आप बताओ। ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है जिसमें आप लोगों ने कहा कि अभिक्रिया को लिखने का तरीका बदल गया, तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग इस तरीके से बता देंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे मेरे पास आएगा रस समीकरण मिति। क्या आएगा, क्या होती है रस समीकरण मिति? जो आगे हम नंबर लगाते हैं बैलेंस करने के लिए उनको बोलते हैं रस समीकरण मिति, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट, स्टोइकियोमेट्रिक। तो अब लो जी अगला टॉपिक, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति बदल जाए तो क्या होगा। तो आपने सिर्फ देखना है कि क्या हो जाएगा, और बिल्कुल सिंपल है। ज्यादातर हम रस समीकरण मिति को या तो आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, या डबल कर देते हैं, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। पर अगर मैं ट्रिपल कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, या 4 गुना कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो आप मेरे को खुद बता दोगे। तो मैं सिर्फ डबल पढ़ाता हूं बच्चों को, 3 गुना 4 गुना करने पर क्या होता है वो आप खुद ध्यान दोगे, ठीक है। आ जाओ जी, तीसरा फैक्टर है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। आ जाओ जी, रिएक्शन ले लो मेरे साथ, एक कोई भी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। N2 प्लस में 3H2 बराबर 2 अमोनिया के लिए यदि KC बराबर, यदि 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 5 है तो अभिक्रिया हाफ N2 प्लस 3/2 H2 उत्क्रमणीय का निशान MH3 के लिए KC ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, फिर से मर गए बच्चे। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? कितनी अभिक्रियाएं दी हुई हैं? सिर्फ उनको घूर के देखना है और कुछ नहीं करना। पहले अभिक्रिया में N2 कितने हैं सारे बच्चे? N2 एक ही है, जिनको दो दिख रहे हैं वो अपना नंबर चेक कराओ आंखों का। N2 कितने हैं? यहां कितने हैं? आधा। H2 कितने हैं? H नहीं बोला था, H2 बोला है, 3। ये कितने हैं? 1.5, डेढ़, आधे हो गए। अमोनिया कितने हैं? यहाँ कुछ फर्क पड़ रहा है अभिक्रिया में? क्या हो रहा है? आधी हो रही है, बिल्कुल सिंपल बात थी ये। अभिक्रिया आधी हो जाए तो जो नया मान आएगा वो पहले वाले का अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नया KP या KC चल रहा था, KC, नया KC डैश पहले वाले का अंडर रूट, पहले वाले का। अब अंडर रूट करके दिखाता हूं। अंडर रूट में तुम उठा करके मान ले आओगे 1.6 × 10⁻¹⁵। अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधी, पावर वैसे अंडर रूट लेना आता भी होगा। मैं अंडर रूट तब तक नहीं ले सकता जब तक ये पावर, हाँ, 2 के पाड़े से कट ना जाए। क्या 2 के पाड़े से 5 कट जाता है? कई उड़ा देते हैं 2.5, लेचक आंसर मास्टर, 2.5 पावर है ना, पावर 2.5 नहीं होती, वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने इसको अपनी मर्जी से बदल दिया, तो नया जो KC डैश है, नया KC डैश हो जाएगा 16 × 10⁻¹। सही क्या है? मैंने 1.6 को क्या कर दिया, 16, वैल्यू बड़ी कर दी कि छोटी कर दी? हाँ, तो पावर छोटी हो जाएगी, पावर छोटी होगी। कल तक तेरे पास माइनस 5 लाख यानी 5 लाख उधारी थी, अब 6 लाख की उधारी है। वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी हो गई? छोटी हो गई है ना, क्योंकि तू नुकसान में चला गया। तो माइनस 5 बड़ा होता है, माइनस 6 छोटा होता है, बिल्कुल सिंपल बातें पढ़ा रहा हूं। अब 16 का अंडर रूट सारी दुनिया को पता है क्या होता है, 4, वेरी गुड। और 6 का अंडर रूट
तो 6 का अंडर रूट नहीं करना, अंडर रूट में पावर आधी हो जाती है, अंडर रूट में पावर, तो मेरा आंसर है 4 × 10⁻³। ये आंसर आ गया। क्या दिक्कत आई? अगर मैं इस रिएक्शन को यहां 2 लिख देता, यहां 6 लिख देता और यहां 4 लिख देता तो क्या होता? पहले तो बताओ, दिमाग लगाओ, ये ऐसे करके बैठे हो कोई फायदा नहीं है, डूल जाता है सारा सामान। हाँ, मैं बोल रहा हूं और तुम होंठ नहीं ला पा रहे, कितनी शर्म की बात है। देखो ये नीचे 5वीं क्लास के बच्चे से पूछूं कि यहाँ 1 की जगह 2 लगा दूं, 3 की जगह 6 लगा दूं और 2 की जगह 4 लगा दूं, तो क्या तुम बोल नहीं पा रहे? देखो मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं, तुम कह रहे छोड़ यार लगाता रहे ताकत, हमने तो नहीं पढ़ना। थोड़ा सा कोशिश करो बेटे, नुकसान तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। पेपर 8 तारीख को तुम्हारा है, मेरे तो हो गए जितने पेपर होने थे, थोड़ा ताकत लगाओ। हाँ जी, क्या हो गया अभी? गिरिया डबल, डबल का मतलब मैं इसका वर्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वर्ग करने में मुझे 5, 6, 7 नहीं करनी, 1.6 को 1.6 से गुणा कर दूंगा और 5 को 2 से गुणा कर दूंगा, पावर कितनी हो जाएगी? 10। नहीं अगर तुम्हें ऐसा अच्छा लग रहा तो 16 × 16 और 6 × 2 सॉरी, 2 आंसर बनते, जो मर्जी कर देना। तो अगर अभिक्रिया डबल हो जाए, तो जनरली डबल नहीं होती, हमेशा अभिक्रिया आधी होकर आती है, बता देता हूँ ये पहले ही। एक क्वेश्चन दे दूं घर के लिए? चलो जी, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से घर के लिए। ये रहा क्वेश्चन आपका, रिएक्शन या अभिक्रिया H2 कौन सी अभिक्रिया ले, अभिक्रिया A+B 2B, तीर का निशान 3C, मैंने अपनी मर्जी से बनाई है, के लिए KP=49 है, तो अभिक्रिया तो अभिक्रिया 3/2C और 1/2B 1/2A प्लस बी के लिए केपी का मान होगा। अब मैं आंसर भी लिख के दे रहा हूं, 4 ऑप्शन, खुद करोगे एक क्वेश्चन कर जाके। पहला ऑप्शन आपके सामने है A=1/49, B=7, C=0.14 और D=49। ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन का, हाँ जी मैंने डाल दिए 4 ऑप्शन, घर जाके करना, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। अगला टॉपिक मेरे पास में आता है केपी और केसी में संबंध, पूरा डेरिवेशन है, पर सिलेबस में कभी भी डेरिवेशन नहीं होते। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, अगर मुझे रिलेशनशिप याद है तो मैं न्यूमेरिकल कर दूंगा, वरना ऑब्वियस बात है खाली बैठा रह जाऊंगा। क्या रिलेशनशिप है? KP=KC RT की पावर, न्यूमेरिकल बनता है, बड़ा सिंपल सा, कोई इसमें जोर नहीं आने वाला, सिर्फ ये पता होना चाहिए बंदे कौन कौन है। इतना जरूर पता लग गया होगा केपी और केसी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है ये? हाँ, बार बार नहीं लिखूंगा कि साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है। R = है गैस कांस्टेंट, क्या है? और गैस कांस्टेंट के 2 मान होते हैं, फिलहाल आगे जाके बताऊंगा, आज मैं आपको मान बता देता हूं इसका, 0.082 ये मिलेगा पेपर में, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये मिलेगा तुम्हें, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट पेपर में मिलते हैं। टी सारी दुनिया को पता है क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, टेम्परेचर। और डेल्टा एन मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, गैसीय प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल। अब मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, या 3 कंडीशन बनाते हैं पहले, न्यूमेरिकल इसके बाद करेंगे, पहले 3 कंडीशन बनती है। लो जी, कंडीशन नंबर 1, केस फर्स्ट जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा एन 0 हो, जैसे कौन सी? H2+I2 और H2O2 बताना तो नहीं पड़ेगा इसका, डेल्टा एन 0 है, कल से पीछे पढ़ रहा हूं, कितने प्रोडक्ट, कितने रिएक्टेंट, 2 में से 2 गए, मेरी जरूरत नहीं थी। लेकिन बात तो ये आई, कल को मैं ऐसे बड़ा सारा क्वेश्चन बना दूं 298 केल्विन पर, 298 केपी का मान 2×10⁻⁶ है,
तो इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान ज्ञात करो। तुम लग जाओगे सूत्र लगा के धड़ाधड़ बताने के बाद भी, आज बता रहा हूं उसके बाद भी तुम धड़ाधड़ गन्ना पे लग जाओगे, जबकि कुछ नहीं करना था, सिर्फ चुटकी बजानी थी। दिखाता हूं कैसे। जिसका डेल्टा एन जीरो उसकी पावर भी, जिसकी पावर जीरो उसका मान एक। जो जीरो बोल रहे हैं वो गलत हो गए। आज दूसरी या तीसरी बार ये बात है, जिसकी पावर जीरो उसका मान एक। तो केपी बराबर केसी और आरटी की पावर जीरो, यहां लिख देता हूं आरटी की पावर जीरो का मान है एक। अगर एक से गुणा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा बोलो फटाफट, केपी बराबर केसी हो जाएगा। मतलब अगर आज मैं आपको कोई रिएक्शन दे दूं, हाँ हेलो मोहित, हाँ पापा आएंगे यार अभी थोड़ी देर में तेरे पास, ठीक है मेरी बात होगी थोड़ी देर पहले है। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं तेरे को, चिंता ही ना कर, ठीक है। अब बारी किसकी आ गया आपके पास, केपी बराबर केसी, यहां तक समझ आ गया। अब अगर कल को मैं इसका न्यूमेरिकल बना के दे भी देता हूं तो इस अभिक्रिया में मुझे टेंशन नहीं है, जो मेरा मान केपी का है वही फिक्स है ये बात, क्योंकि इसका डेल्टा एन क्या है, तो जिनमें डेल्टा एन क्या होगा बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। केस नंबर टू आ जाओ जी, सेकंड केस ले आते हैं। केस नंबर टू में ऐसा करते हैं कि मैं डेल्टा एन बराबर प्लस बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, अब रिएक्शन नहीं लिख रहा, पता ही है पीसीएल फाइव वाली रिएक्शन है, पीसीएल फाइव बराबर पीसीएल थ्री प्लस, करते रहना कर बैठ के। पर अब सोच के देखो, केपी बराबर केसी और आरटी की पावर कुछ भी आ जाए, चाहे वन ही क्यों ना आ जाए, प्लस में क्या आ गई वन, कौन बड़ा है, केपी बड़ा है कि केसी बड़ा है, सारे बच्चे और जवाब है केपी बड़ा है। अब यही तुम्हारी आंखों का धोखा है जो तुम्हें हाँ पता नहीं लगता। इस कंडीशन में केपी बड़ा है और केसी छोटा है, तुम सोच के देखो कि केसी अपने साथ लड़ाई के लिए गुंडे लेके गया, यस और नो, उसके बाद भी मैच ड्रो हो गया, बराबर का मतलब, हाँ फिर थाप खा के टिक गए, यस और नो, जो गुंडे लेके गया उसके बाद भी तुम्हारा मैच न्यूट्रल हो गया, तो ताकतवर कौन था, जो कल्ला आया, यस और नो, हाँ शेर वो था, तू तो डरपोक था जो बंदे लेके गया। हीरो का भी बंदे लेके जाता है, छेड़ ले हीरोइन, मेरे भाई को लेके आता हूं पहले, हैं बिल्कुल, ताकतवर कौन है, फिल्म का हीरो ही है। और तीसरा केस तो बताने की जरूरत ही नहीं, अब आइडिया लग गया होगा, है ना। केस थर्ड कौन सा हो सकता है, जब डेल्टा एन बराबर नेगेटिव हो, जब डेल्टा एन नेगेटिव हो, तो अगर केपी बराबर केसी आरटी की पावर कुछ भी लिख दो, चलो माइनस वन, माइनस वन का मतलब भाग, आना तो बोल दो, और अभी कहा था जो नीचे क्या होते हैं, भाग में बैठे होते हैं, याद आ रहा कुछ कुछ, जितने भाग में बंदे बढ़ते जाएंगे उतना तेरा मान, तो इसका मतलब मैं इसको कम करता जा रहा हूं उसके बावजूद वो किसके बराबर है, तो इसका मतलब ताकतवर कौन हुआ, इस बार केसी ताकतवर हुआ। तो ये तीन या तो याद रखना नहीं तो समझा मैंने दिए, तो ये टोटल मिला करके आपको इतना सा ध्यान रखना है, काट दो फोन जिसका भी है, इतनी सी बात याद रखनी है मेरे बच्चों को टोटल मिला करके, कि जब भी आप लोगों के पास केपी और केसी के मान की बात की जाएगी तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बिल्कुल अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद एक लास्ट में न्यूमेरिकल करवाता हूँ केपी केसी से जुड़ा हुआ पहले, फिर उसके बाद आगे अपने देखेंगे। आ जाओ जी, न्यूमेरिकल में कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर मेरे से देखा जाए तो गुणा भागी है, पर मैं इस साल के हिसाब से ये सोचता हूं कि ये न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे कि मैं रिएक्शन दे करके पूछ लूं केपी बड़ा या केसी बड़ा, बजाय मैं आपको गिनती करवाता फिरूं। चलो कोई बात नहीं, इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, कि न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो आप लोगों को ऐसे नहीं हो कि मुझे आता ही नहीं सर। अब मैंने कोई भी एक्स वाई जेड न्यूमेरिकल ले लिया, अगर डेल्टा एन जीरो हुआ फिर तो वो न्यूमेरिकल है फ्री का, डेल्टा एन जीरो में तूने जो मान केपी का बताना है वही। चलो आ जाओ, अब मेरे पास है जी क्वेश्चन नेक्स्ट, कि यदि अभिक्रिया एन टू प्लस थ्री एच टू बराबर दो एन एच थ्री के लिए, दो एन एच थ्री के लिए केपी बराबर दो गुणा दस की पावर माइनस तीन है, तो केसी का मान ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, क्या रिएक्शन दे दी, हाँ ना बोलो, क्या केपी और केसी में कोई संबंध होता है, तो आप भिड़ते ही पहले वो संबंध लिखोगे, केपी बराबर केसी आरटी की पावर
हाँ जी 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये लो जी टेम्परेचर भी देना जरूरी था। ये मेरे पास न्यूमेरिकल है, सर को केसी ज्ञात करना है, केपी सर को दिया हुआ है, तो केपी बराबर 2 × 10⁻³। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, क्या सेंटीग्रेड में हमारा काम चलेगा? तो मैंने इसको किस में बदल दिया? केल्विन में। कैसे बदलते हैं केल्विन में? 273 से ऐड करके बदलते हैं, पता होगा जहां तक मेरा ख्याल है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब सर को आर चाहिए, आर पेपर में मिलेगा 0.08, बस ये मुझे पेपर में मिल गया। 821 होता है पर उसने मुझे इतना ही दिया है, मैं क्या करूं। और लास्ट मेरे पास क्या है? डेल्टा एन, तो डेल्टा एन मैं निकाल लेता हूं। N2+3H2 अभिक्रिया में कितने प्रोडक्ट हैं जल्दी बोलो, और रिएक्टेंट कितने हैं? 2 में से 4 गए। बस फिर अब तुम रख दो, तुमने मान रखने शुरू कर दिए 2 × 10⁻³। केसी मुझे पता नहीं, आर टी का मतलब हो जाएगा 0.08 × 300⁻²। माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2, क्योंकि ये -2 है नीचे तो अपॉन में होएगा, और जो इधर बटा में बैठा है वो इधर गुणा में बैठा होगा। यस और नो? तो सर को अब क्या चाहिए जल्दी बोलो? केसी चाहिए, बताओ फिर। 2 × 10⁻³ और 0.08 × 300⁻², बस दैट्स ऑल। -2 नहीं +2, देखो मैंने केपी को इधर भेज दिया और केसी को उल्टा पुल्टा कर दिया, इसलिए ये -2 की क्या हो गई? +2 हो गई। लो तुम्हारे लिए स्पेशल प्लस लिख देता हूँ, घर जाके ये ना सोचो सर से गलती से छूट गई। हाँ अब क्या करूं बोलो? 2 × 10⁻ खोल दो इसको, 0.08 0.08 और 300 को 2 बार, 300 × 300। अब जो पॉइंट है उनको पहले सल्टाओ। लो जी 1, 2, 3, 4, नीचे कितने बिंदु आ गए? 4, और ये 3, फिर कितने आ गए जल्दी बोलिए? 7। तो ये लो जी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कितने रह गए? 8 × 8 कितने होते हैं? 64, और 64 × 2 = 128, 128 को 9 से गुणा कर दो। कर दोगे तक हम? बोलो बोलो फटाफट। 128 × 9 और बटा में 1000, 9 × 8 कितना होता है बोलते जाओ? 9 × 8 = 72, क्या आ गया यहाँ पे? 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 11/1000। ये लो जी घर जाके इसको करोगे तो 1.15 दो, 1. क्या जोर आया बताओ? ये सबसे मुश्किल वाला था, इससे ज्यादा मुश्किल आएगा भी नहीं, ठीक है? तो ये बात मेरे बच्चों को अच्छी तरह से आनी चाहिए जो मुझे पता नहीं। इसके बाद जो एक मुख्य क्वेश्चन बनता है वो बनता है ली शैतेलिए का नियम, ठीक है? लेकिन उसको मैं आपको पढ़ाता हूं एक उसमें। अब मैं नया टॉपिक दे रहा हूं, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। साम्यावस्था को पहले क्या पढ़ाया था? हाँ, केपी केसी को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैं साम्यावस्था को, साम्यावस्था होती है जब तेरा अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? थैंक यू, बराबर। तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और इसको जिस नियम के अंतर्गत कराते हैं उसको बोलते हैं ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ली चैटरलियर प्रिंसिपल इंग्लिश में ये नाम होता है, और हिंदी में बोलते हैं ली शैतेलिए का नियम। कई जने ला शैतेलिए बोल देते हैं, कई जने ली शैतेलिए बोल देते हैं। अब मैंने तुम्हें दोनों बता दिए, ठीक है जी? ये लो जी, ये नियम क्या कहता है कि साम्यावस्था पर अगर अभिक्रिया को छेड़ोगे तो वो हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करेगी। बिल्कुल बेइज्जती होती रहती है, जनरली घर में भी हो जाती है, कभी कभार छोटा भाई बेइज्जती कर देता है ना। कल को सहेली आ जाए ना, तू कह दे छोटे भाई को भाई पानी पिला दे, अगले ने कह दिया तेरे हाथ टूटे डे हैं क्या है, सहेली के सामने होगी झंड? यस और नो? फिर किस बात का घमंड है ना। चलिए जी, ये होती है जी बेइज्जती। बेइज्जती का मतलब जो आपने कहा उसका क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, बस दैट्स ऑल। साम्यावस्था पर किए गए परिवर्तनों का अभिक्रिया हमेशा विरोध करती है, ये है जी इतना सा नियम। विरोध करती है तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां भागेगी? दिमाग लगाओ। नहीं, ये पश्च और अग्र तो गलत हो गया तुम्हारा जवाब, ठीक है? मैंने क्या बोला उसको फॉलो करो।
अगर मैं साम्यावस्था पे टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया कहां भागेगी, जहां मेरा विरोध हो रहा हो। मैं चाह रहा हूं आग जला के गर्मी कर लूं, है ना, और अभिक्रिया जाके एसी चला देगी, ले, है ना, और ले टिंडे मेरे साथ, है ना। तो लड़ाई होने के बाद यही होता है, जो है ना, जो काम मैं कर रहा हूं उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन कहां भागेगी, जहां टेम्परेचर, बस इतनी सी बात बोलनी थी, ये गलत बोल चुकी है, ठीक है जी, क्योंकि जरूरी नहीं है पश्च भागेगी। उष्मा शेपी और उष्मा शोषित दो होती हैं, तो भूल गई इतनी देर के अंदर, ठीक है। अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया कहां भागेगी, जहां तेरी सांद्रता। अगर मैं उत्पाद की सांद्रता बढ़ा रहा हूं तो अभिक्रिया क्या कहेगी, ना हम किसकी बढ़ाएंगे, अभिकारक की बढ़ाएंगे। और अगर मैं अभिकारक की बढ़ा रहा हूं तो और कितनी बेइज्जती कराओगे, है ना, बस यही बेइज्जती होती है, दैट्स ऑल, खत्म होगी बात, इससे ज्यादा आसान नहीं। तो देख लो जी, लिख देता हूं, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन किए गए चेंजेस या परिवर्तनों का विरोध करती है, परिवर्तनों का विरोध करती है। इतना सा नियम है यार बस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं शुरू करता हूं किससे, सांद्रता से, किससे, पहला फैक्टर है सांद्रता। चलो जी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दो लोगों की बढ़ा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट की और या रिएक्टेंट की। चलो मैंने कह दिया ए प्लस में बी और सी प्लस में डी, हम जनरली कहां जाना चाहते हैं, उत्पाद की तरफ या अभिकारक की तरफ। हाँ, आज तो गुठलिया नहीं चाहिए तेरे को, कल तो तू गुठलिया मांग रही थी, प्लीज गुठलिया दे दो, आम का क्या करना है। फिर हमने तेरे को समझाया, अरे आम के अंदर ही गुठलियां होती हैं, पहले आम खा ले फिर गुठलियों से खेल लेना, बैठी हुई है ना। हम हमेशा कहां जाना चाहते हैं, तो मेरे को हमेशा फॉरवर्ड जाना है, मैं कभी बैकवर्ड नहीं जाना चाहता। अब कंसंट्रेशन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊं कि मेरे को प्रोडक्ट मिले। जल्दी बोलो, ए और बी की, क्योंकि रिएक्शन ने तो तेरी बेइज्जती करने की ठान रखी है। यस और नो, अब सोच के देखो, ए या बी की अगर मैं सांद्रता क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो रिएक्शन कहां भागेगी, आगर दिशा में, यानी कि फॉरवर्ड दिशा में, जिससे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। वेरी गुड। या एक तरीका और है, क्या, सी और डी को कम कर दो, सी और डी को। अब रिएक्शन क्या कहेगी, अच्छा तू सी और डी को क्या करना चाहता है, तो मैं क्या करूंगी, हाँ हम तो चाहते हैं कि सी और डी ज्यादा हो, तुम साथ के साथ ना सी और डी को हटाते जाओ, हटाते जाओगे तो इसका मतलब सी या डी की सांद्रता क्या हो रही है, जल्दी बोलो, कम। तो अभिक्रिया फिर से कहां भागेगी, अगर दिशा में ही भागेगी, है ना, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ज्यादा। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अगर मैंने सी और डी की सांद्रता क्या कर दी, ज्यादा कर दी, सी और डी ज्यादा बना दिए, और जो ज्यादा बन चुके हैं वो और, तो रिएक्शन फिर कहां भागेगी, दैट्स ऑल, इतना सा काम है। ये ज्यादा फैक्टर आता नहीं है, पर मैंने करा दिया। दूसरा फैक्टर तुम अभी करके आ चुके हो, टेम्परेचर या ताप, टेम्परेचर या ताप, इसके आधार पर रिएक्शन कितने टाइप की होती है, फिर से वही बातें, फिर से वही सब कुछ। लो जी, पहली कंडीशन, अगर डेल्टा एच है प्लस, क्या है, तो अभिक्रिया कैसी होगी, शोषी, और इंग्लिश में कैसी होगी, एंडोथर्मिक। यहां तक क्लियर है, बोलते जाओ बस। अगर अभिक्रिया एंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी है, है ना, तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, बस सिर्फ ये सोचना है। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, ग्लूकोज मुंह में डालते ही मुंह गर्म हो जाता है, कभी खाया है ग्लूकोज, क्या नहीं, तो 5 रुपए का डब्बा लेके आज ग्लूकोज खाना पहले। हाँ, ग्लूकोज मुंह में डालते ही मुंह कैसा हो जाता है, ठंडा, क्योंकि वो तुम्हारी उष्मा को खींच लेता है। जब उष्मा शोषित दिन चल रहे होंगे ना, जब दीवारें ही उष्मा को शोषित कर लेंगी, यानी कि वो ठंडी होंगी, उन दिन तुम ठंडा नहीं मांगोगे, सर चाय पिला दो। हाँ, तो उष्मा शोषी में ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है जी। और जहां ऑलरेडी टेम्परेचर कम है, वहां टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और अभी बताया था ठंड के दिनों में चाय चाहिए होती है। टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो कौन सी रिएक्शन, पर कल को तुम कह दो नहीं जी हम तो टेम्परेचर कम ही करेंगे, जैसे ये पागल हुई बैठी है,
मुझे तो ठंड अच्छी लगती है, मैं तो बर्फ में नहाऊंगी उस दिन, है ना। तो नहाती रहे भाई, तू बर्फ में बीमार होती रहे, हम तो नहीं जाएंगे। हम कहाँ चले जाएंगे फिर, बोलो। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पास्ट। फॉरवर्ड से हमेशा क्या बनेंगे, प्रोडक्ट, और बैकवर्ड से क्या बनेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। जस्ट उल्टा कर देते हैं, अब जल्दी समझ आएगी खोपड़ी में। इसके अंदर सेकंड नंबर पे डेल्टा एच अगर माइनस हो, क्या हो, उष्मा शेपी, उष्मा जो ऑलरेडी हीट छोड़ रही है। ये तो महान है जो बोल रहे थे कि हीट यहां ज्यादा है। अब जो जहां से पहले से ही आग निकल रही है वहां तेरे को ठंड लग रही होगी ना, प्लीज मुझे, है ना, जून के महीने में, है ना, रजाई जरूर ला दो मुझे प्लीज, मर जाऊंगी मैं नहीं तो ठंड से। तो ये कल जैकेट पहन के आने वाली है, हैरान मत होना, ठीक है। इसकी समस्या वो ये कैसे मैनेज करती है, हमने बता दिया। उष्मा शेपी का मतलब एक्सो, एक्सो का मतलब जिसमें से हीट, जहां हीट निकल रही हो वहां गर्मी है कि ठंड है। अब बताओ टेम्परेचर क्या करोगे, और अगर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो ओबियस बात है रिएक्शन कहां भागेगी, फॉरवर्ड, क्योंकि इधर हीट निकल रही है ना। और फॉरवर्ड का मतलब हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट। उल्टा लिख दूं, गलती से ऊपर का निशान लग गया। और प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनेंगे तो हम यही चाहते हैं, पर बाई चांस अगर तुमने टेम्परेचर क्या कर दिया, तो गर्मी में गर्मी का मतलब रिएक्शन नाराज हो गई, और नाराज होके हाँ अभी बताया था माइक के चली जाएगी, है ना। तो यहां पर अब प्रोडक्ट की बजाय क्या हो जाएगा, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर सबसे शानदार है, दाब का प्रभाव। किसका, व्हाट इज दाब, प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में मुड़ जाती है जहां आयतन कम हो, उस दिशा में जाती है जहां आयतन कम हो। तो अगर मैंने मेरे बच्चों को आयतन दिखा दिया, ठीक है जी, तो वो दो मिनट में बता देंगे रिएक्शन कहां जाएगी। तो आयतन के आधार पे पहली रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 और बराबर 2 अमोनिया, यस और नो। आयतन देखना है, कितने बंदे बैठे हैं यहां, 1 मोल, 3 मोल, टोटल कितने मोल, 4 मोल का आयतन, 22.4 × 4, है ना। घर जाके मल्टीप्लाई करते रहना, जब इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 89.6 लीटर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां कितने, 2 मोल, 2 मोल का मतलब 44.8, पर मुझे इतना नहीं बताना, जितने मोल उतना आयतन, बिल्कुल सिंपल सवाल का सिंपल जवाब। अब इधर कितना आयतन है, 4, इधर कितना है, और ये बात कितने लोगों के लिए मुश्किल है, कईयों के लिए मुश्किल भी है, पता नहीं ये कैसे लिख देता है मास्टर, बड़ा गजब है हमारा, हमें समझ ही नहीं आता ये लिख भी जाता है, इधर 4 इधर 2, पता नहीं भाई कैसे कर दिया। समझ आ रहा है क्या सारी बात, यस और नो बोलनी है, मेरा काम खत्म हो गया। अब तुम बता दो, अगर मैं दाब बढ़ा देता हूं प्रेशर को, इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ा देता हूं, तो इधर भागेगी रिएक्शन के उधर भागेगी, इस ऊपर वाली लाइन को पढ़ के बताना सही सही, हाँ कहां भागेगी, अगर या पश्च, अगर भागेगी, उधर नहीं भागेगी, वो पश्च होता है, बोल तो तू अगर रहा है, तेरे मुंह से पढ़ लिया, तू ऐसे कह रहा है अगर 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 अगर, मेरी भी देख ले, मेरा अगर देख ले, ठीक है, पश्च तू अपना संभालता रहना। तो क्लियर कट बात है, प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में मुड़ जाएगी जहां आयतन आयतन कम हो। 4 कम होता है कि 2 कम होता है, कहीं ये भी कह सकते हैं 4 कम होता है, आपको क्या पता है, हाँ वो तुम्हारी समस्या है, मेरे को 2 कम लगता है। तो रिएक्शन कहां भाग रही है, फॉरवर्ड में, मुझे क्या मिलेंगे, तो मैं अगर इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो दाब का क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। पर जे कल को तो उल्टी खोपड़ी की निकली फिर, तू कहते ना भाई जी मैं तो दाब को कम करूंगी कुछ भी हो जाए, तो दाब कम करने पर आइडिया लगा लो क्या होगा, बैकवर्ड भागेगी तो उत्पाद नहीं मिलेंगे। हम हमेशा तेरे से यही पूछेंगे क्वेश्चन में, निम्न अभिक्रिया के लिए परिस्थितियां बताओ, ठीक है ना, कौन सी अनुकूल परिस्थितियां। और अभिक्रिया के लिए हमेशा अनुकूल परिस्थितियां वो होती हैं जो उसे फॉरवर्ड लेके जाए, ना कि, ठीक है। तो गुठलियां इकट्ठी नहीं करनी, क्या इकट्ठे करने हैं, आम इकट्ठे करने हैं। आ जाओ दूसरी रिएक्शन, दूसरी में PCl5 बराबर PCl3 और साथ में, ठीक है, आयतन बता देगी कि डर जाएगी, डरेगी तो नहीं,
वैसे मैं डरावना लगता नहीं हूँ, तुम डरावना समझते लगा था। मैं तो रोज आधा घंटा शीशे के आगे लगाता हूँ, सेल्फियाँ और खींचता हूँ, मेरे को अच्छा ऐसा लगता है मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। और तुम डरते रहते ऐसे जैसे कोई भूतनी आगे खड़ी हुई हो ना, कोई राक्षस टाइप का आदमी, जिंगवाला टाइप है। अब तो दाढ़ी भी कटा लाया तुम्हारे लिए। हाँ, कितना आयतन है इधर और कितना आयतन है इधर, दिख रहा है? इधर बताओ और इधर, बिल्कुल सिंपल बात है यार। अब तुम ऐसी चीजें नहीं पढ़ पाओ तो फिर मेरे को भी तो दुख होगा ना। हाँ, अब ये जो सो रहा है ये बताएगा आयतन का क्या करें। तू ये देख क्या रहा है, पीछे क्या देख रहा है, तेरे को पता नहीं तू सो रहा है? हाँ नहीं पता, चल मैं बता देता, तू सो रहा है। बस काम खत्म। अब बता, अगर मैं दाब बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? सिर्फ ये बताएगा, क्योंकि चैन से सोना है तो जाग जाइए, है ना? खड़ा हो, शाबाश। अब मैंने इसका दाब बढ़ा दिया, सिर्फ ये बताना है कि ये अगर जाएगी कि पस जाएगी, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अगर ही जानी थी, क्यों सोया पड़ा है? बैठ जाओ, ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ जोर से, सारी क्लास को सुनना चाहिए। जितने तेज तेरे खराटे सुन रहे थे ना मेरे को, उतनी तेज मेरे को सुन रहे तेरे खराटे। हाँ, दाब बढ़ाने पर, दाब, हाँ, चुप, हाँ, जायतन, तू कह रहे दो कम होता है एक ज्यादा होता है। सर आपको क्या पता है? अब मम्मी से और पूछना करता, जब तेरे चपेड़े पड़ेंगे ना फिर तेरे को पता। अरे यार, एक कम होता है यार, दो नहीं कम होता। किधर जाएगी अभिक्रिया, जल्दी बोलो। आसान सी बात है, सो जाओगे तो नहीं समझ आएगा। सो जाओगे तो कैसे समझ आएगा, ये बताओ। तुम नारे लगा रहे हो जिंदाबाद जिंदाबाद, ये ऐसे कर रही है, खराटे ले रही है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर अब इस बार गड़बड़ हो गई, कहां जा रही है रिएक्शन? अब एक बात और पूछ लेता हूं, पश्च, चलो हिंदी में लिख देते हैं इस बार, पश्च जा रही है। हाँ, तू तो पश्च ही जाना चाह रही थी कल, तो ताली बजाएगी। हाँ सही है, दाब कम कर दो, दाब बढ़ा दो, है ना? क्या हम पश्च जाना चाहते हैं? तो इस अभिक्रिया के लिए बताइए क्या होगा। अगर पश्च जाऊंगा तो अभिकारक, पर मुझे अभिकारकों से कोई लेना देना, देन व्हाट विल आई डू फॉर दिस रिएक्शन? आई विल डिक्रीज द प्रेशर, ओके। और जैसे ही मैं प्रेशर को कम करूंगा, रिएक्शन अग्र दिशा में भागेगी। और बिल्कुल, अब एक रिएक्शन और रह गई। जब इधर भी क्या हो दो और उधर भी क्या हो, ऐसे अभिक्रिया में डेल्टा एन लास्ट, हाँ बता बता, शाबाश। जब उधर भी दो हो और इधर भी दो हो तो डेल्टा एन का मान जीरो। ऐसी अभिक्रिया पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, वो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। बैठ जा, तू भी सो रहा था, ठीक है। चाइनीज आंखें मुझे दूर से दिख जाती हैं, आई लव चाइनीज, ठीक है। हाँ, तो जो मोमोज होते हैं ना दूर से, मोमोज बैठे होते हैं ऐसे, चाइनीज आंखें वो दिख जाते हैं मुझे दूर से। चलो जी, ओके, कहाँ है रबड़, कहाँ पे? चलो आवाज को बंद करो और चैन से सोने तो जाग जाओ, ताकि आप लोग पढ़ सके और कुछ सीख सके। क्योंकि ये इतनी आसान बातें पढ़ा रहा हूं जिसमें दो और दो चार ही करना है बस। और सो जाओगे तो ये घर जाके समझ नहीं आएगा। लास्ट एंड फाइनल, तीसरी कंडीशन, अगर आपके पास रिएक्शन आ जाए डेल्टा एन बराबर जीरो वाली, कौन सी? जिनके लिए डेल्टा एन बराबर जीरो वाली अभिक्रियाएं, जैसे एच टू प्लस आई टू बराबर, इसके लिए इधर भी आयतन दो, हाँ है ना, बोलो, इधर भी दो। अब बताओ अभिक्रिया कहां जाएगी? तो हमने तो लिखा था दाब बढ़ाने पर वहां जाएगी जहां आयतन, मैं बताऊं क्या लिखूंगा, दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस रिएक्शन पर, दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लो जी, यहां लिख देता हूं, इस रिएक्शन पर, वो तो लिखना जरूरी था ना, दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें डेल्टा एन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब एक खतरनाक बात और आएगी, चौथे नंबर पे कैटालिस्ट, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आज बताने के बाद भी गलत हो जाएगा। उत्प्रेरक के लिए दो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन केपी और केसी पे क्या इफेक्ट डालेगा उत्प्रेरक, है ना, और दूसरा साम्य अवस्था पे क्या डालेगा। तो अगर केपी और केसी पर वो प्रभाव डालता तो मैं लिखवाता क्या नहीं लिखवाता वहां, साम्य अवस्था स्थिरांक को कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्प्रेरक डाल चाहे। लेकिन अब क्या होगा, तो सुनो,
कैटालिस्ट क्या कहता है? सर मैं फॉरवर्ड को क्या कर दूंगा? हाँ बोलो बोलो, फास्ट। बैकवर्ड कर दूंगा, ये कह रहा है फॉरवर्ड को मैं बैकवर्ड कर दूंगा। वाह भाई करामत ही बच्चा है फिर तो तू यार है। मैं फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना दूंगा सर, ऐसा है कि हमारे पास जादूगर। कोई बात नहीं, ये कह रहा है मैं फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिक्रिया को तीव्र कर दूंगा, क्योंकि कैटालिस्ट या तो प्रेरक क्या होते हैं वो सारी दुनिया को पता है। क्या होते हैं कैटालिस्ट? बड़गाऊ टट्टू होते हैं, है ना। ए और बी की लड़ाई हो रही थी, क्या मर जाऊंगा पर साले बी को इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, और बी क्या कह रहा था? मर जाऊंगा साले ए को, ए से इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। हो रही थी, जुंडे पाड़े बैठे थे, साफ दिख रहा था दोनों एक दूसरे से चिमड़े बैठे हैं या चिड़े बैठे हैं, और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो अगर कोई मुझे क्या कह देगा आगे, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? और होगी भी तो मरी मरी होगी। यस और नो? जैसे दो कमजोर लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, मैं मार देनी है तेरे दो, दूसरा क्या कहता है हाथ लगा के खा मेनू, है ना। होता है ना लड़ाई, हम वीडियो की यूं ही मेमोरी भरे जा रहे हैं, भाई मार थप्पड़ मार, मैं मार देनी सच में मार देनी, मैं हत्ता ला फिर तू। और कैटालिस्ट क्या होते हैं? पहले थप्पड़ मारते हैं फिर बात करते हैं, हाँ दस की गल है ना। तो कैटालिस्ट वो भड़काऊ टट्टू है जिन्होंने इधर भी खुसफुस कर देना है और इधर भी, तेरे बारे में ये कह रही थी और ये भड़क गई, अच्छा ये कह रही थी, देख मैं अभी जुंडे पाड़ के आती हूँ, अब ये जाके पहले थाप मारेगी फिर पूछेगी तू ये कह रही थी, वो कौन सा बताने वाली है, अब तो मैं यही कह रही थी आ जा तू, है ना। चल अब जुंडे पाड़ने शुरू हो गए। तो कैटालिस्ट का काम होता है दोनों को भड़काना। तो कैटालिस्ट क्या करता है? अगर अभिक्रिया को भी फास्ट कर देता है और पक्ष को भी क्या कर देता है? हाँ, जब दोनों अभिक्रियाएं क्या होगी बोलो बोलो, फास्ट होगी, तो सिर्फ एक ही बात लिख के आनी है, साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाएगी। साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है, बस इक्विलिब्रियम अटेन अर्लियर, बस और कोई काम नहीं है कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट कहता है मैं हाँ जी क्या करूंगा, फॉरवर्ड को भी फास्ट करूंगा। कल को मान लो अभिक्रिया साम्यावस्था 10 घंटे में आने वाली थी, स्कूल में तो तू 6 घंटे ही रुकती है, प्रैक्टिकल लैब में तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही पीरियड मिलते हैं, अब तू वहां बैठी हुई है, रात हो गई साम्यावस्था आई नहीं, घर वाले आ जाएंगे तेरी टेंशन में, है ना, छोरी का गई मारी, तो हम क्या डाल देंगे जल्दी बोलो? जो काम तेरा 10 घंटे में होने वाला था मान लेते हैं वो कितने में हो जाएगा? 6 घंटे। क्योंकि कैटालिस्ट कहता है अपने तो जल्दी वाले आदमी है, थप्पड़ थप्पड़ भजवा देंगे पहले ही। हाँ क्या क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, ये आपके मेन क्वेश्चंस हैं, इनमें न्यूमेरिकल हैं, वो थोड़े से टिपिकल हैं, उनको एक बार हमने छोड़ दिया है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक करवा देता हूं, ठीक है जी, बिल्कुल एक करवा देता हूं, ताकि आपको अच्छा लगे कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल बनता है तो वो मुझे आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो उनके लिए आप लोगों को थोड़ी सी खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हालांकि उम्मीद नहीं है कि इतने मुश्किल न्यूमेरिकल बने। तो न्यूमेरिकल अपने एक ढूंढते हैं बढ़िया सा जो मेरे को याद है, ये रहा, इसमें से न्यूमेरिकल, हाँ केपी और केसी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाले तो करवा दिए न्यूमेरिकल, ये भी करवा दिए, हाँ ये रहा क्वेश्चन है मेरे पास में, लास्ट क्वेश्चन आज का, ए प्लस में 2B और तीर का निशान, 2C प्लस में डी, ये सारे गैस हैं, गैस 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 और गैस। वो कहता है कि बी की सांद्रता ए की सांद्रता से 1.5 गुना है, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है जी। तो बी की इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, ए से 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स, गुना का मतलब होता है 1.5 टाइम्स, ठीक है। तथा साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था तो पता लग गई होगी अब तक, है ना, साम्यावस्था पर ए व डी की सांद्रता समान है, ए व डी की सांद्रता क्या है? समान है। तो केसी व केपी ज्ञात करो, केसी व, क्या पहला क्वेश्चन क्या बनता है?
पहले केसी ज्ञात करूं या केपी ज्ञात करूं? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बोलो फटाफट तुम्हारे हिसाब से क्या ज्ञात करूं? केसी ज्ञात करूं। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सांद्रता 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 ये लिखा हुआ है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं जी कैसे करना है क्वेश्चन को। जब भी आपको क्वेश्चन को करना है तो आपको पहले इक्वेशन चाहिए, आंसर लिख दिया, ए प्लस में दो बी और तीर का निशान दो सी प्लस में डी। तुमने बोला मान लेते हैं ए की सांद्रता एक है, कितनी है एक। तो बी की कितनी है? एक का डेढ़ गुना कितना होता है? तो कल को तुम यहां दो भी कर सकते थे, दो का डेढ़ गुना कितना होता है? हाँ तीन होता है, डेढ़ इंटू डेढ़ बराबर है ना, डेढ़ प्लस डेढ़ बराबर तीन है ना। शुरू में इनकी सांद्रता कितनी होगी? तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसको तुम प्रारंभिक सांद्रता बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? हाँ प्रारंभिक सांद्रता, वो मैंने लिख दी सबकी। प्रोडक्ट की प्रारंभिक जीरो क्यों होती है? हाँ शुरू में प्रोडक्ट नहीं बन जाते, आम का पेड़ बोते ही आम नहीं उग जाता, टी बराबर जीरो पर है। कुछ देर बाद अब ये रिएक्शन शुरू होगी, रिएक्शन शुरू होगी तो ए और बी ज्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? सारे बच्चे नहीं बोले, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कम हो जाते। चल मान लेते हैं एक्स कम हो गया, कितना yes। अब अगर मेरा वन कम होएगा तो तेरे कितने कम होएंगे? टू, क्योंकि तेरे आगे लिखा हुआ है कि तू हमेशा मेरे से डबल कम होएगा। तो मैं था वन, वन में से मैं कम हो गया एक्स, तो तू कितना कम हो गया? डेढ़ में से कितना कम? टू yes। एक्स। अब ये दोनों बनेंगे या कम होएंगे? बनेंगे। कितना बनेगा? जो इसके आगे लिखा हुआ है। तो जितने हम कम हो रहे हैं, जवाब क्या है? 2x और ये दैट्स ऑल, बस इतना सा काम है। ये जिसको करना आ गया, मैं वन था, मैं घट के हो गया वन माइनस एक्स, तो ये मान लेते हैं साम्य अवस्था पर। क्या मान लेते हैं? ये साम्य अवस्था पर मान लिया कि ये कंडीशन आ गई, इसके एक्स मोल खर्च हुए, इसके 2x, इसके 2x बन गए, इसके x बन गए। कोई मैंने कुछ देखा थोड़े, मैं तो नकल मारी ऊपर जो लिखा हुआ था उसको। अब आपने एक बात और पढ़ी, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? ए और डी की सांद्रता समान है, कब? तो यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साम्यावस्था पर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, कितनी है ए की और डी की कितनी है? बराबर कर दो, तुम्हें डर किस बात का है? वन माइनस एक्स बराबर, अब इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा? ठीक है जी, तो वन बराबर टू एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? आधा, आधे को क्या लिख सकते हैं? कितनों को दिक्कत आई, मैंने एक्स का मान काट लिया। अब मुझे क्या निकालना था, मेन बात बताओ, क्या काटना था मुझे? चलो देखते हैं जी, केसी क्या होता है? केसी बराबर, कितनों को पता है केसी बराबर क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटा, कौन कौन है उत्पाद, कौन कौन है? सी की सांद्रता, डी की सांद्रता, ए की सांद्रता और ठीक लिखा है मैंने? नहीं लिखा ठीक, कुछ गलती है इसके अंदर। हाँ देख पा रहे हो क्या, क्या गलती है? बी कह रहे हैं मैं दो बार था, तूने कितनी बार लिखा है? सॉरी है, तू कैसे देख पाएगी? तू नहीं देख पाएगी, ये करामती मेरे पास भी, हाँ पावर ये वाली आंखें खोल के सोने वाली, मैं भी सो जाता कई बार, इसलिए मैं बचा लेता हूं उन बच्चों को जो आंखें खोली में भी सो जाते हैं। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा? दो, यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ दो लिखा हुआ था। यहां तक समझ आ गया? अब तुम्हें सिर्फ मान रखने हैं, सी की समय अवस्था पे सांद्रता बस देखो और बोलो 2x और ऊपर क्या लगा देता हूं? अच्छा डी की सांद्रता x, ए की सांद्रता 1 माइनस एक्स और बी की सांद्रता 1.5 माइनस, क्या मेरे को x पता है? जल्दी बोल दो फिर x का मान, 2 गुना 0.5 का स्क्वायर गुना 0.5 फिर 1 माइनस 0.5 फिर 2 इंटू 0.5 यस और नो इसका स्क्वायर, हाँ या ना बोलते जाओ, 2 इंटू आधा एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर दो भी है, कई बैठे हुए हैं एक गुणा एक बराबर दो ऐसे वाले भी बैठे मेरी क्लास में, हाँ वो उनकी समस्या देखो, मैं क्या बोलूं, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक की पावर दस एक ही होता है, एक की पावर सौ एक की पावर हजार
ठीक है, एक की पावर 10,000 एक ही देता है, घर जाके गुणा करना 10,000 बार, अकल आ जाएगी। ठीक है, और गुणा में 0.5, एक में से आधा गया, थैंक यू। अब ये है 1.5, ये है एक, दो गुणा आधा बराबर एक, एक में से 1.5 को माइनस कर दो, कितना रह जाएगा 0.5, आधा रह जाएगा। तो डेढ़ में से एक गया आधा, उसका स्क्वायर। अब इनको पूरा ठीक करके लिख लो, एक इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू, ठीक है, 0.5 से 0.5, पॉइंट और पॉइंट ऊपर जाके 100, नीचे कितने हैं 25, 100/25 बराबर मेरा केसी का मान आ गया कितना। अब मुझे केपी निकालना है, नहीं निकालता, सीधा लिखूंगा, क्यों लिखूंगा सीधा, इधर कितने हैं 2 और 1 3, 2 और 1, चूंकि यहां डेल्टा एन बराबर 0 है, कर लोगे ये सवाल? Yes, तो ये मेरा रासायनिक साम्य खत्म हुआ है, इसके बाद आएगा जी आयनिक साम्य, क्या आएगा? ठीक है, तो मिलते हैं जी कल ब्रेक के बाद, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।